हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिंटोस मोड। सो आज का टॉपिक है कैपेसिटिव माइक्रोफोन। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी जानते हैं कि माइक्रोफोन क्या होता है, लेकिन इंटरनली वो वर्क कैसे करता है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिए, आप समझ जाएंगे कि माइक्रोफोन वर्क क्या करता है, ठीक है, कैसे करता है। तो ये देखिए, ये हमारा वर्किंग डायग्राम है। थोड़ा देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट मैं बताऊंगा तो आपको ईजी लगने लगेगा। शुरू से देखते हैं, ये है हमारा एक डायफॉर्म। डायफॉर्म क्या होता है, एक थीन मेटल मेम्ब्रेन से बना रहता है जिसका डायमीटर कुछ होता है 0.01 इंचेस टू 0.02 इंचेस, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एक फिक्स प्लेट है। डायफॉर्म मूविंग प्लेट की तरह एक्ट करता है, मतलब ये ऊपर नीचे जाएगा। ये हमारा फिक्स प्लेट है। इसके अंदर हमारे डैम्पिंग होल्स है, ये क्यों है मैं लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक कैपिलरी एयर लीक है, ये भी क्यों है ये भी बताऊंगा। और इसी सर्किट से कनेक्टेड है हमारा एक सर्किट जो एक सिंपल सीरीज में रेजिस्टेंस और ये हमारा वोल्टेज लगा हुआ है, ठीक है, एक्साइटेशन वोल्टेज और ये भी आउट। सो कैपेसिटिव माइक्रोफोन वर्क क्या करते हैं, मतलब कि इसका मेन मोटिव क्या है, मतलब कि ये इसका मेन मोटिव ये है कि साउंड प्रेशर लेवल को मेजर करता है। कितना लेवल का साउंड माइक्रोफोन पे जा रहा तो वर्क करेगा, कितना नहीं जा रहा तो वर्क करेगा। यही मतलब कि मेन मोटिव यही है कि लेवल ऑफ साउंड मेजर करना माइक्रोफोन का, ठीक है। तो कैसे करता है कि सिंपली क्या है कि मान लीजिए यहाँ से प्रेशर जा रहा है, यहाँ से ही प्रेशर जा रहा है, यहाँ से ही प्रेशर जा रहा है, चारों ओर से प्रेशर जा रहा है, ठीक है, कोई भी टाइम पे। देन उस प्रेशर के वजह से हमारे जो ये डायफॉर्म है ये मूव करेगा, मतलब इसीलिए इसको मूविंग प्लेट बोलते हैं, ये मूव करेगा ऊपर या नीचे, ठीक है। और ये हमारा फिक्स प्लेट है, इसके मूवमेंट के वजह से हमारे जो ये सर्किट है इसमें करेंट फ्लो करेंगे, ठीक है, करेंट फ्लो करेंगे और उसी करेंट को हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्टेज मेजर कर लेंगे, जिससे हम ये मेजर कर सकते हैं कि प्रेशर का लेवल क्या है, ठीक है। बस यही काम है कि मूवमेंट प्रेशर की वजह से ये डायफ्राम मूव करता है, मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो करता है सर्किट में, और उसके बाद हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर लेते हैं जिसके थ्रू हम साउंड का लेवल मेजर करते हैं। अब बताते हैं कि इसका क्या क्या है, कैपिलरी एयर लीक। मान लीजिए हम प्रेशर दिए यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर दे दिए, यहाँ से कम प्रेशर दे दिए, तो ये हमारा जो डायफ्राम है इसको डैमेज होने का चांसेस ज्यादा रहता है। देन ये एयर लीक की वजह से यहाँ से जो प्रेशर आता है ये यहाँ से स्केप हो जाता है, मतलब कि बैलेंस करने के लिए। तो कैपिलरी एयर लीक का मोटिव क्या है कि वो इक्वलाइज करता है प्रेशर को बोथ द एंड ऑफ डायफॉर्म, मतलब कि दोनों तरफ से इक्वलाइज करता है। और सेम काम फिक्स प्लेट ये डैम्पिंग होल का भी है, मतलब कि मान लीजिए ज्यादा प्रेशर आ रहा और ये हमारा रेस्ट्रिक्ट कर लेगा अगर, तो हमारा डायफॉर्म भी डैमेज हो सकता है। इसीलिए ज़्यादा प्रेशर आएगा तो ये इसके थ्रू चले जाते हैं, होल के थ्रू प्रेशर चले जाते हैं जो इक्वलाइज कर देते हैं और डायफॉर्म को डैमेज होने से बचा लेते हैं। तो इसका मेन काम यही है कि डायफॉर्म फिक्स प्लेट को, फिक्स प्लेट में जो डैम्पिंग होल है वो भी डायफॉर्म को बचाने के लिए है, और कैपिलरी एयर लीक भी है जो डायफॉर्म को डैमेज होने से बचाने के लिए है। तो यही था वर्किंग, मतलब कि प्रेशर जा रहा और डायफॉर्म मूव कर रहा और करंट फ्लो होने के थ्रू हम कितना लेवल का प्रेशर जा रहा है माइक्रोफोन पे वो मेजर कर लेते हैं। लेकिन एक और बात पॉइंट नोट करने वाला है कि मान लीजिए अगर हम कांस्टेंट प्रेशर दे रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर, देन हमारा डायफॉर्म मूव नहीं करेगा, कांस्टेंटली मूव करेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इसीलिए हमें डायनामिक प्रेशर और डायनामिक डायफॉर्म मूवमेंट चाहिए। डायनामिक रहेगा तो हमें हमारा करंट फ्लो करेगा सर्किट में और जिसके थ्रू हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं एट द एंड, ठीक है। तो ये उसका थ्योरी है, आप थ्योरी देख सकते हैं कि द वेरिएबल कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन टू अ सिंपल सीरीज सर्किट विद अ हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड एक्साइटेड वोल्टेज फॉर ए कॉन्स्टेंट डायफॉर्म, नो करेंट फ्लोइंग इन द सर्किट, सो देयर इज नो वोल्टेज एट द आउटपुट। ये भी बोला, फॉर द डायनेमिक प्रेशर ए करेंट इज फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस एंड द मूविंग वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस टू डिटरमाइन द डायनेमिक साउंड प्रेशर लेवल एक्टिंग ऑन द डायफॉर्म, मतलब कि